Assalamualaikum. Today I am going to show you how to make beef meat curry with potatoes. Okay, or I can say aloo gosht ka salan. So it's very simple and quick recipe with very few ingredients. Only these ingredients are required. So let's note down the ingredients first. Then I will tell you the process how to make it. So for the beef curry, you need 1 teaspoon salt, 1.5 tablespoon coriander powder, 1 tablespoon red chili powder or according to your taste, this half teaspoon, this turmeric powder and this cumin seeds, 1 teaspoon. 2 onion medium sized, 3 tomatoes and this coriander leaves. 2 potatoes. I'm going to peel it later. Okay, these are the ingredients. So let's start. First I'm going to fry this onions, and after that I will I'll add this beef in it. I'll roast it nicely, then tomatoes and all these spices, ginger garlic paste also. Okay, so let's start. अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें तेल डाल के रखा हुआ था गरम करने के लिए. अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ जाएगी वो है अनियंस, प्याज जाएगी. ठीक है, मैं डाल दूँ प्याज. ठीक है, यह आप देख सकते हैं कि इसको जो है ना, हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको सॉफ्ट करना है. थोड़ी ये नरम हो जाए अभी, तो इसके बाद इसमें जो है ना, मैं गोश्त डाल दूँगी. और मैं जो है प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी, इसको प्रेशर दूँगी तो ये बहुत आसानी से और जल्दी गल जाएगा. ठीक है, ये देख लें, अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ना, तो इसके बाद इसमें गोश्त डाल दूँगी. फिर गोश्त अच्छे से भूनेंगे, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और फिर बाकी चीज़ें जाएंगी. दिखाती हूँ आपको. अच्छा, प्याज देखिए हमारी सॉफ्ट हो गई है. अब इसमें जो है ना, मैं ये जीरा डालने लगी हूँ, फिर गोश्त डालूंगी. सही है, क्यूमिन सीड्स है ये. नजर आ रहा होगा आपको, नजर आ रहा है ना. चलिए, ये हो रही है. हो जाए तो फिर ये डलेगा गोश्त. 500 ग्राम ये है बीफ का गोश्त. ठीक है जी, तो अब इसमें चला जाएगा ये गोश्त. अब इसको भूनेंगे थोड़ी देर, ये भून लेंगे हम अच्छे से. एक तो ये मेरा उल्टा हाथ है, ये मेरा सीधा हाथ है. मैं चाह रही हूँ आपको नज़र आता रहे. ये देखें, गोश्त को अच्छे से हमने भून लिया है. अब इस स्टेप पे इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट. ठीक है, ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया था ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट. अब ये गया है तो खुशबू आना स्टार्ट हो गई है. अब इसको थोड़ा भूनेंगे. जी, तो ये अदरक लहसुन भी इसमें अच्छे से हमने भून लिया है. अब इसमें ये जाएंगे सारे. ठीक है, सॉल्ट चला जाएगा, ये कोरिएंडर पाउडर चला जाएगा, धनिया पाउडर, स्पाइस चली जाएगी और सभी कुछ चला जाएगा. ठीक है, अच्छा ये जो है ना, मसाले गले नहीं हमारे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स कर लें पहले. अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा टोमेटोज, तो मैं ना इसमें टोमेटोज डाल दूँ ताकि जो मसाले डाले हैं ये जले नहीं. ठीक है, अब टोमेटोज डाल के अच्छा खासा भून लें. सही, नज़र आ रहा है. इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगी. ठीक है, ये हो जाए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखा दें.
या आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेप पे मैं क्या करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रेशर देना है। अब इसमें पानी डालने लगी हूँ, ये रहा एक ग्लास पानी। देखिए मैंने ये प्रेशर निकाल दिया, देखिए ढक्कन हटा दिया मैंने, और अब आप देखें कुछ ये इस तरह है, अच्छा खासा गोश्त हमारा गल चुका है। और अब इसमें इस स्टेप पे यहाँ पे ये चले जाएंगे आलू, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। अब गोश्त तो गला हुआ ही है, अब आलू को गलाने के लिए ये पानी डालेंगे एक ग्लास, और हल्का सा ढक्कन ढक के रख देंगे, तो बस वो खुद ही होता रहेगा, ठीक है। बस इसको लिड को कवर कर देंगे तो आलू जो है ना उसी में हो जाएंगे। जी तो सालन हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। और अब इसे जो है मैं टेस्ट करने लगी हूँ, ठीक है। देखिए कैसा बना है, देखिए गोश्त कितना अच्छे से हमारा गल चुका है। बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है ये, तो आप लोग जो है इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा।